सब्सक्राइब करें हिजाबी ट्रेंड्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन जो कि होगी बिगिनर्स के लिए, और वो भी मैं देने वाली हूँ इसे बहुत इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं लेने वाली हूँ 18 इंचेस बाय 9 इंचेस का क्लॉथ। तो यही मेजरमेंट में पहले मैं लूँगी लाइनिंग क्लॉथ, उसके ऊपर मैं रखूँगी अपना मेन फैब्रिक। तो इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि मेन फैब्रिक का राइट साइड होना चाहिए नीचे की तरफ और रॉन्ग साइड होना चाहिए ऊपर की तरफ। और सबसे ऊपर मैं लेने वाली हूँ अपना कैनवास पेपर, और जो मेजरमेंट मैंने पहले बताई थी वही मेजरमेंट मैंने लिया है इन तीनों पर, जो हो गया 18x9 इंचेस का। और मैं करने वाली हूँ इन तीनों को पिन। पिन करने से आपके तीनों फैब्रिक्स रहेंगे एक तरफ और नहीं हिलेंगे किसी भी जगह। और अब मैं करने वाली हूँ अपने फैब्रिक्स को फोल्ड, और फोल्ड करने पर मेरा पेस्टिंग पेपर आएगा ऊपर की तरफ, जिसे मैं अपनी उंगलियों की मदद से देने वाली हूँ थोड़ा सा प्रेस, जिसे हमारा मिड पॉइंट हमें पता चल जाए। तो अब मैं अपना नेकविट ले रही हूँ 3 इंचेस, और थोड़ी नीचे भी मैं 3 इंचेस का मार्क कर उसे दे दूँगी एक स्ट्रेट लाइन। और अपना नेक डेप्थ मैं लेने वाली हूँ अब 7 इंचेस का, और अब उसी 7 इंचेस पर मैं लेने वाली हूँ एक परपेंडिकुलर लाइन जो देगी हमारा नेक डेप्थ। और ऊपर 3.5 इंचेस पर मैं देने वाली हूँ एक मार्क जो होगा हमारा मिड पॉइंट, और अपने फ्रेंच कर्व की मदद से उससे देने वाली हूँ एक राउंड शेप। और नीचे मैं लेने वाली हूँ 16 इंचेस का मार्क, और वहाँ भी ड्रॉ करने वाली हूँ एक लाइन, और उस लाइन पर 3/4 इंच का करने वाली हूँ मैं एक मार्क, और ऊपर भी होगा 3/4 इंच का मार्क, और उन 2 3/4 इंचेस के मार्क्स को मैं देने वाली हूँ एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे। और नीचे से आपको मार्क करना है ऊपर 1 इंच का मार्क, और देना है वहाँ से अंदर की तरफ एक क्रॉस लाइन, और साइड से मैं देने वाली हूँ 1 1/4 का गैप, और करने वाली हूँ उसे पूरा अपने राउंड नेक पर, और उस पर भी देने वाली हूँ सेम शेप जैसा हमने दिया था पहले वाले पर। और इस पे भी हम यूज़ करने वाले हैं अपना फ्रेंच कर्व एक नीट शेप के लिए। और अब उन पिंस को रिमूव करके मैं लगा देने वाली हूँ उन्हें मिडिल पर। ऐसा मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं अपनी कटिंग करूँ तो मेरा फैब्रिक कहीं हिले ना। तो अब जो हमने मार्किंग की थी उसी हिसाब से आपको कर देना है बिल्कुल वैसे ही कट। और अंदर की तरफ भी आपको करना है राउंड कट, पर इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा आपको पूरा फैब्रिक नहीं करना है कट, ऐसा आपको देना है थोड़ा सा गैप। और अब हमारे पिंस रिमूव करके हम लगा देंगे उसे अपने कैनवास के ऊपर बिल्कुल ऐसे जो नज़र आएगा आपको इस शेप का, और साइड से हम इस शेप में करने वाले हैं उस पर स्टिच। और स्टिच बराबर आए तीनों क्लॉथ्स पर इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा, इससे आपकी फिनिशिंग आएगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आपको मेरे वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन नज़र आएगा उस पर दबाना मत भूलिएगा। और अगर फ्यूचर में आपको ऐसे ही और ज़्यादा ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और जो पीछे की तरफ हमारा लाइनिंग क्लॉथ था उसे हम कर देंगे बीच से कट, और साइड से दे देंगे स्लिट्स। और आपको पूरे क्लॉथ पर कटिंग नहीं करनी है, इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपको सिर्फ अपने लाइनिंग क्लॉथ पर ही कट करना है, क्योंकि हम करेंगे उसे अब रिवर्स बिल्कुल ऐसे। और इसी तरीके से आपको अपने नेक को पूरी तरीके से करना है रिवर्स, और अपने नाखूनों की मदद से थोड़ा प्रेस दीजिएगा ताकि उसका शेप आने में हमें थोड़ी मदद मिल जाए। और जहाँ पर कोने ज़्यादा होंगे वहाँ पर आप अपने फैब्रिक को ऐसे कट भी कर सकते हो, तो इससे आपकी फिनिशिंग आएगी बहुत ही खूबसूरत।
और अब अपने आयन की मदद से मैं देने वाली हूँ उस पर जेंटल प्रेस। ऐसा मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका शेप आएगा और भी ज़्यादा परफेक्ट और नीट। इस पर अभी हम टॉप स्टिच नहीं देंगे, हम देंगे इसे अपने कमीज पर ऊपर की तरफ पलटाकर। इससे हमारी फिनिशिंग आएगी बहुत ही ज़्यादा उभर कर। तो अब मैं लेने वाली हूँ अपनी कमीज़ जिसे मैंने कर लिया है अपने लाइनिंग से अटैच, और जो हमने अपना नेक शेप बनाया था उसके राइट साइड को मैं रखने वाली हूँ नीचे की तरफ और उसे अपने कमीज़ पर करने वाली हूँ पिन। और इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपके कमीज़ का मिड पॉइंट और आपके नेक शेप का मिड पॉइंट आए बराबर। इससे आपकी नेक पलटेगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और अब देने वाली हूँ मैं उसे अंदर की तरफ से स्टिच पूरे राउंड पर। और यह है बहुत ही बेसिक शेप अपने नेक कमीज़ को एक 3D डिज़ाइन में बदलने का। तो फ्यूचर में मैं आपको देने वाली हूँ और भी ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत नेक लाइंस और हिजाबी वीडियोस। तो देरी किस बात की है, सब्सक्राइब का बटन नीचे ही आपको नज़र आएगा, सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अंदर की तरफ से मैं देने वाली हूँ उसको कट। तो पूरे नेक पर कट करने के बाद मैं देने वाली हूँ उस पूरे नेक पर ऐसे स्लिट्स जिसे हमारे नेक पलटने में हमें कोई तकलीफ़ ना हो। और अब मैं करने वाली हूँ अपने नेक को रिवर्स बिल्कुल ऐसे, जो पलटेगा हमारा हमारे कमीज़ के सामने की तरफ। और अपने नाखूनों की मदद से उस पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर दीजिएगा जिससे हमारा शेप आएगा थोड़ा सा ज़्यादा नीट। तो अब उसी शेप पर मैं देने वाली हूँ एक टॉप स्टिच। और ऐसे नेक्स बनाते वक्त इतना ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपके थ्रेड का कलर मैच हो आपके क्लॉथ से, वरना अगर आप कोई ऑपोजिट कलर थ्रेड लोगे तो आपके नेक पर नहीं आएगी उतनी ज़्यादा फिनिशिंग। और अंदर की तरफ टॉप स्टिच पूरा हो जाने के बाद बाहर का शेप पर भी हम देंगे अपना टॉप स्टिच। तो जो आपको अंदर की तरफ अपना लाइनिंग थोड़ा थोड़ा बाहर नज़र आता रहेगा, आपको उसे पुश करना है अंदर की तरफ जैसा मैं बता रही हूँ अपने वीडियो में। और अगर आपको यहाँ पर स्टिच करने में हो रही है थोड़ी सी भी तकलीफ़, तो आप अंदर की लाइनिंग को पहले ही कर सकते हो थोड़ा ज़्यादा सा कट। तो जो आपका एक्सेस अंदर की तरफ बचेगा ज़्यादा फैब्रिक, तो आप जितना चाहो उसे अंदर की तरफ से कर सकते हो कट। तो इससे ये प्रॉफिट होगा कि आपका आएगा फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन। पर मुझे इसकी आदत हो चुकी है तो मुझे लगता है ये भी बहुत इजी वे, जो आपको इजी लगे वो वे पे आप कर सकते हो इस पर स्टिच। तो इसी तरीके से आपको देना है पूरा स्टिच। और बीच की तरफ मैंने लगाए हैं 6 बटन्स जो दे रहे हैं इस नेक लाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके में। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।